पराक्रम हाईवे पर इमदादी काम के दौरान जख्मी फौजी जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक सिपाही रबनवाज चगलोट के करीब तोड़ा गिरने से जख्मी हुआ था। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बाद वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं भारतीय हमनसब से मुलाकात में कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और इकबाली बयान का मामला उठाया। रॉ की सरगर्मियाँ अमन की रॉ में रुकावट है। लियारी गैंगवार के सरगना जैर बलोच की सख्त सिक्योरिटी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेशी। रेंजर्स का 90 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। उधर जीआईटी की तफ्तीश हतमी मराहिल में दाखिल। उजैर बलोच का 198 अफराद के कत्ल का एतराफ। पानामा लीक पर अपोजिशन जमातों के रास्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी के वफ की लाल हवेली में शेख रशीद से मुलाकात। खुर्शीद शाह कहते हैं जब बात नहीं सुनी जाएगी तो धरने और कंटेनर की सियासत होगी। एतजाज अहसन का कहना है कि सबसे पहले वजीर आजम का एहतसाब जरूरी है। और इमरान खान की जेर क्यादत तहरीक इंसाफ का इजलास। पनामा लीक्स और लाहौर जलसे का लाया अमल तैयार। नईम उल हक कहते हैं वजीर आजम सच बता दे तो किसी कमीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरियम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर की नाहली के लिए दरख्वास्त दायर कर रहे हैं।